क्या मांग लेके आए हैं आप यहाँ? मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार की रवैया जो है आदिवासियों के पक्ष में नहीं है। गैर आदिवासी को आदिवासी में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वोट की राजनीति की जा रही है देश के अंदर। जैसे मैं बताना चाहूँगा, बिहार के अंदर 2015 में लोहार जाति को, जो कि अनुसूचित जनजाति में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं लोहार पूरे भारत में, लेकिन बिहार में लोहार जाति को आदिवासी में शामिल किया गया और उसका लाभ बिहार के अंदर सारे लोहार जाति के लोग लेते हैं। उसके साथ साथ लोहार के साथ साथ अभी आपको कुर्मी, तेली, बनिया झारखंड में आदिवासी में जाने के लिए तैयार हैं। नहीं सर, आपकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर आए? मैं बता रहा हूँ सर, बिहार के अंदर भी सारे आदिवासी गैर आदिवासी को मलाह, नुनिया, बिंद को भी आदिवासी में शामिल करने की तैयारी चल रही है। आपको तेलंगाना में भी लंबेरा जाति को आदिवासी में शामिल कर दिया गया। इससे हमारी आदिवासियत खत्म हो रही है सर जी ना। इस आदिवासियत को बचाने के लिए गैर आदिवासी को आदिवासी में जोड़ना सरकार बंद करे। अगर सरकार बंद नहीं करती है तो हम धरातल पर विरोध करने के लिए तैयार हैं एनी टाइम। जय प्रदीप जी, आप उदय सिंह जी बहुत बड़ी तादाद के अंदर युवा आए हैं, आप इनका समर्थन करने के लिए आए हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं आप? सर हमारी जैसे आज एससी एसटी जो ओबीसी का जो संगठन आज रोडों पे दिख रहा है आपको, ये सुप्रीम कोर्ट की जो 21 तारीख का डिसीजन आया था, एक तो उसके विरुद्ध में है, दूसरा ये जो आदिवासी संगठन जिसको पांचवी सूची के तहत इनको अधिकार दिए जाने चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, उसको लेके हम रोडों पे हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं युवाओं के साथ में। और कल जो 2 अप्रैल को पूरे भारत बंद का आह्वान किया है, उसको लेके हम लोगों को समझा भी रहे हैं और आक्रोशित भी कर रहे हैं कि आंदोलन में शामिल हों और अपने अपने तरह से अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने राज्य में उस आंदोलन को एक सफल बनाएं, जिससे सरकार पर दबाव बने और SC ST एक्ट का जो इन्होंने अपंग बना दिया है सरकार ने और न्यायालय के द्वारा, उस पर दबाव हो और उसको द्वारा बहाल किया जाए, जिससे लोगों में एक सुरक्षा का भाव पैदा हो दलितों में और SC में। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो युवा साथी हैं वो रोडों पर आ रहे हैं आपके साथ समक्ष हैं। उदय जी, इस समय जो पूरे भारत की वर्तमान स्थिति है वो बड़ी गंभीर है, युवाओं को नौकरी नहीं है और जिनको नौकरी मिल चुकी है उनको निकाला जा रहा है। सर देखो, ये तो बिल्कुल भी साफ साफ है, जिस जुमलों के साथ सरकार आई थी कि 2 करोड़ रोजगार, आज पूरे भारतवर्ष में 4 साल में सरकार 5 लाख भी रोजगार नहीं जुटा पाई है, बशर्ते जो नोटबंदी के दौरान और GST के दौरान बहुत से प्राइवेट सेक्टर में लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं और लोगों के बेघर हुए हैं। तो सरकार का जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लीकेज हो रहे हैं, आज अभी SSC स्कैम हुआ है उसमें सरकार कोई भी जवाब देने को आगे नहीं आ रही है, अभी पेपर लीक हुए हैं बच्चों के 10वीं और 12वीं के बच्चों के, कोई भी जिम्मेदारी सरकार लेने को राजी नहीं है। राम मंदिर और दलित मुस्लिम इन सभी पे मुद्दों पर बात कर रही है, इससे विकास का कोई मुद्दा इनका नहीं है आज की डेट में। सरकार को हम लोग घेर रहे हैं, सरकार पर हम दबाव डाल रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे संगठन देश में आज सक्रिय हैं जो सरकार को दिखाने के लिए 2019 में आईना दिखाने के लिए तैयार हैं कि आप संविधान से छेड़छाड़ करोगे, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये आने वाला युवा समाज, दलित समाज जो संविधान बाबा साहब के आइडियोलॉजी को मानता है, आपको बख्शेगा नहीं। जय भीम। धन्यवाद सर।